हाय माय क्यूट हार्ट, आज मैं बनाने वाली हूँ एक जूट का नेकलेस, वो भी बर्ड शेप का। इसलिए मैं पहले एक पेपर में बर्ड को ड्रॉ कर लिए, उसके बाद उसको हम कार्डबोर्ड के ऊपर रख के उसको भी ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ हो जाने के बाद इसको हम सीजर की हेल्प से बहुत अच्छे से शार्पली कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद हम लोग गम की हेल्प से इसके ऊपर जूट को चिपका देंगे। उसके पहले बर्ड का जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी मेजर से हम लोग जूट को छोटा छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अभी ये छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो हम लोग गम की हेल्प से चिपका देंगे बर्ड शेप के ऊपर। और आप सबको पता ही है ये वाला जो जूट है वो नॉर्मल सा कोई भी दुकान में, ग्रोसरी दुकान में आपको ये जूट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे से एक के बाद एक करके पूरा लगाते जाएंगे जूट को बर्ड शेप के ऊपर। अच्छे से जूट चिपकाने के बाद हम लोग ये बर्ड को जो एक्स्ट्रा जूट है उसको हम लोग कट कर लेंगे और बर्ड का एग्जैक्ट शेप दे देंगे। अभी देखो लग रहा है ना एकदम असली वाला बर्ड जैसा शेप। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉम्पॉम लेस की हेल्प से इधर हम लोग आउटलाइन के उधर से चिपका देंगे। इधर मैं दो कलर कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, रेड एंड ब्लू। तो ब्लू का मेरे पास पॉम्पॉम लेस नहीं थी, इसीलिए मैं क्या की ब्लू कलर का जो धागा होता है, सीविंग का जो धागा होता है, उसको हम 5-6-7 एक साथ इकट्ठा करके वो जो ब्रेड होता है ना, तो ब्रेड जैसा बना के उसको मैं चिपकाती हूँ। आप पॉम्पॉम लेस भी लगा सकते हो, वो आपका मर्जी। अभी इसका जो आँख बनाने के लिए, मतलब बर्ड का आँख बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो जो रेड कलर का पॉम्पॉम लेस है उसको हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे ऊपर से, वो छोटा सा डॉट, तो उसके हम लोग चिपका देंगे। देन बहुत सारा हम लोग बॉल ले लेंगे, जूट बॉल और कॉटन बॉल एंड दो डोरी थ्रेड। उसके बाद डोरी थ्रेड के अंदर से कुछ धागा को हम अंदर में घुसाते हुए नॉट कर लेंगे। अभी इसका दो एंड में से, दोनों में से एक जूट बॉल को हम घुसाएंगे और उसके बाद एक में से हम लोग रेड बॉल और एक में से हम लोग ब्लू बॉल, ऐसे करके पूरा लंबा जितना लेंथ हम लोग को चाहिए उतना हम करते जाएंगे। इधर मैं जूट बॉल 6 और ब्लू और रेड का 5-5 करके टोटल 10 ले लूँ। इस तरीके से जब हम लोग को पूरा लेंथ मिल जाएगा उसके बाद हम लोग इसका जो लास्ट एंड है उसमें हम लोग नॉट बांध देंगे ताकि जूट बॉल निकल ना जाए। इस तरीके से हम लोग दूसरा और एक बना लेंगे, लेकिन उसमें पैटर्न ऐसा होगा कि रेड ब्लू ऐसे करके जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न मैं फॉलो की हूँ, बाकी आपकी मर्जी कि आप किस तरीके से ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये जूट बॉल और कॉटन बॉल और ये डोरी थ्रेड बनाना नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब ये पूरा दो मिल जाएगा हम लोगों को तब इसका जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम लोग, वो जो बर्ड है उसका पीछे में हम लोग चिपका देंगे और एक फैब्रिक को भी हम लोग वो बर्ड शेप में कट कर लेंगे और उसके ऊपर गम की हेल्प से हम लोग चिपका देंगे और उसको हम लोग सूखने देंगे, ठीक है। अभी डोरी का तो एक एंड हम लोग बर्ड के साथ अटैच कर लिए और जो दूसरा एंड है उसमें हम लोग नॉट बांध के कुछ धागा लेके उसके साथ एक झूल सा बना देंगे। अभी इसके साथ अगर आप लोग चाहते हो तो एक
एडजेसेंट बॉल डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि जो मेरा नेकलेस है इसका जो लेंथ है वो एकदम परफेक्ट है, इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं लगाई। आप चाहो तो लगा सकते हो। पीछे वाला धागा जब सूख जाएगा, अगर इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है तो सीजर के हेल्प से इसको हम लोग कट कर लेंगे एंड उसके बाद ये मेरा नेकलेस डन है। अभी चलिए इसके साथ बनाते हैं सेम ईयर रिंग्स। तो हमें इसके लिए छोटा छोटा दो बर्ड शेप का कार्डबोर्ड पीस कट कर लिए और उसके ऊपर से सेम तरीके से हम लोग जूट भी लगा दिए। और आप इधर रेड और ब्लू कोई सा भी कलर का एक पॉम्पम लेस लगा सकते हो। मैं इधर रेड लगाई हूँ और पीछे पुराना वाला इयर रिंग्स लेके उसके अंदर से फैब्रिक घुसा के गम की हेल्प से हम इयर रिंग के पीछे में चिपका देंगे और जब ये सूख जाएगा तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम लोग इसको कट कर देंगे। अभी मेरा नेकलेस विद मैचिंग इयर रिंग्स रेडी है।